पहली बार खुला है और रेस्टोरेंट का नाम फ्लाइट रेस्टोरेंट। एक गेट है फ्लाइट में, ऐसा नहीं तो रहे हैं नहीं। कैसा है आपको फास्ट फूड, कैसा है आपको फ्लाइट मूड का, आपको आनंद दे रहे हैं, आपको खुशी इजाफा है फास्ट फूड आइटम में, ऐसा लगता है कि नॉर्मल आपको रेस्टोरेंट से मनाना हो तो बर्थडे भी आकर यहाँ पर मना सकते। मैं बता रहा हूँ कैसे ऑर्डर किया जाता है इसमें। आप सभी दर्शकों का नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं रेवोल्यूशन 77 न्यूज। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ ऐसी रेस्टोरेंट खुली है जो आप पटना में पहली बार खुला है और रेस्टोरेंट का नाम है माई फर्स्ट फ्लाइट रेस्टोरेंट। आपको यहाँ पर इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज सभी तरह का आपको भोजन यहाँ पर आपको फास्ट फूड मिल जाएगा। ये आपको देखे होंगे फ्लाइट रेस्टोरेंट, आपको दिल्ली में देखे होंगे, आपको कलकत्ता में देखे होंगे, गुजरात, बड़ी बड़ी शहरों में आपको फ्लाइट रेस्टोरेंट देखने को मिलता है, लेकिन पटना में पहली बार खुला है। तो मैं आपको ये एड्रेस मैं बता देता हूँ। एड्रेस ये है, आपको बाईपास से अगर आएंगे तो आपको यहाँ पर जैसे अगम कुआं है उस पुल से आपको चढ़ने से थोड़ी सी ही पहले आपको रुक जाना है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा माई फर्स्ट फ्लाइट रेस्टोरेंट। अगर आप राजेंद्र नगर से आ रहे हैं तो आप अगम कुआं पुल चढ़कर आप नीचे हल्का सा उतरेंगे, एक दो बांस उतरेंगे, आपको फर्स्ट फ्लाइट रेस्टोरेंट। तो चलिए अंदर का इंटीरियर मैं दिखाता हूँ, आऊँगा कि कैसा इंटीरियर बनाया है, कैसे बनावटी है, तो अंदर का दिखाता हूँ। चलिए देखिए ये सीढ़ी है, बहुत बहुत अच्छा बनाया है, लुकिंग बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए एक गेट है, देखिए काउंटर हो गया, देखिए माय फर्स्ट फ्लाइट रेस्टोरेंट का। और आगे आइए, देखिए एकदम फ्लाइट जैसा लग रहा है, लुकिंग एकदम बहुत अच्छा लुकिंग है। और आगे आइए, और आगे एकदम विंडो भी देख सकते हैं, एकदम लग रहा है कि एकदम फ्लाइट जैसा ही बनाए हैं, लुकिंग एकदम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत लोग यहाँ पर आए हुए भी हैं, बहुत लोग खा भी रहे हैं, रेस्टोरेंट का मज़ा भी लुत्फ भी उठा रहे हैं। सीट एकदम देख सकते हैं एकदम फ्लाइट जैसा ही है। देखिए क्या कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या खाना जैसे है नॉर्मल रेस्टोरेंट से, कैसा लग रहा है आपको? एकदम हटके नॉर्मल रेस्टोरेंट से, पूरा फ्लाइट का लुक दिए हुए, एकदम रियल लग रहा है, मजा आ रहा है बहुत। पटना में क्योंकि पहली बार है खुला है, आनंद ले रहे हैं बहुत, तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम लग रहा है फ्लाइट में। ऐसा नहीं ना लग रहा है कि हाँ भाई इस जगह आपको फ्लाइट जैसे पहली बार खुला है, तो आपको भोजन में ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको रेट थोड़ा आगे है, ऐसा कुछ नहीं है आपको महसूस हो रहा है? नहीं अब ऐसा नहीं है, एक बार फ्लाइट में भी गए थे ऐसा ही फील आ रहा है। तो देखिए फीलिंग भी आपको फ्लाइट जैसा लगेगा, इधर हर हर क्या बोले, उड़ता तो थोड़ा और, बच्चे लोग कह रहे हैं उड़ता तो थोड़ा और मजा आता। तो देखिए यहाँ पर आपको सब एकदम फ्लाइट जैसा ही लुकिंग है, एसी सब चीज आपको, एसी का भी व्यवस्था है, सभी चीज का आपको है। थोड़ा मैम भी है, मैम से थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, कैसा लग रहा है मैम? फर्स्ट बार आए थे तो अब तो लग रहा था कि फ्लैट जैसा था, पूरा रेस्टोरेंट ही नहीं नजर आ रहा था, लग रहा था फ्लैट में बैठे हुए, फ्लैट जैसा लग रहा है। अभी फर्स्ट बार आए हैं? नहीं कितने बार आ चुके हैं, कितने बार आ चुके हैं। कैसा आपको ये फास्ट फूड, कैसा टेस्टी टेस्ट रहता है? हाँ टेस्ट रहता है, तभी तो आ रहे हैं ना, टेस्ट रहता है। तो देखिए बोल रहे हैं टेस्ट अच्छा रहता है, अच्छा है, सब चीज अच्छा है, युवाओं के लिए खास करके कपल, और यहाँ पर आनंद लीजिए ताकि पटना में पहली बार खुला है रेस्टोरेंट, और इन लोगों को जैसे बिहार में खुला है ऐसे ऐसे बिहार को बढ़ाइए और आगे ले जाइए ताकि ऐसे ऐसे खोले। और हैं सर जी हैं, थोड़ा ये भी खा रहे हैं, इनसे भी थोड़ा सा मैं जानकारी लेता हूं, या कैसा लग रहा है सर? सर मेरा नाम विशाल जैन है, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ, इस एरिया में बहुत अच्छा फूड क्वालिटी के साथ ये रेस्टोरेंट चल रहा है, मैं रेगुलर यहाँ आता रहता हूँ। फूड क्वालिटी में कहीं कॉम्प्रोमाइज कहीं भी ये लोग नहीं करते हैं,
और जो सर्विस भी है वो एक मेंटेन करके चल रहे हैं। जिस दिन ओपन हुआ उस दिन से मैं रेगुलर। हाइजीन कैसा है? हाइजीन है, पूरी सफाई है। अब अभी मैं उठ के जाऊंगा, आप किसी भी टेबल को देख सकते हैं, लोग खाना खा के ही गए हैं, कहीं एक डस्ट भी नजर नहीं आएगा। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो भी शायद इतना ही सफाई नहीं मिल पाएगा आपको। ये बड़े भाई मेरे साथ है, इनका नाम है राकेश जी, इनको मैं फर्स्ट टाइम लेके आया हूँ कि चलिए देखिए कितनी अच्छी जगह हम लोग जाते हैं। और ये बहुत खुश हैं यहाँ के, इंटीरियर तो आप देख ही रहे हैं, उसको ये मेंटेन भी कर रहे हैं। और कैसा मतलब रेट, क्योंकि पहली बार आपको फ्लाइट मोड का आपको आनंद दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई रेट में आपको कुछ इजाफा है फास्ट फूड आइटम में सब में, कुछ ऐसा लगता है कि नॉर्मल आपको रेस्टोरेंट से? नहीं, रेट एज पर स्टैंडर्ड है, कहीं कम भी नहीं है तो कहीं ज्यादा भी नहीं है। जो मार्केट रेट है उसी में ये सर्विस दे रहे हैं, कोई डाउन रेट नहीं रख रहे हैं। हाँ, लेकिन उस चीज को ये मेंटेन करके चल रहे हैं और आगे भी मेंटेन करते रहेंगे, तो वो ज्यादा में जरूरी है। सर्विसेज भी इनकी अच्छी है और मेन्यू भी, ये मतलब ये नहीं है कि मेन्यू है तो है नहीं, विद इन टाइम लिमिट में ये सर। और फुटबॉल भी इनका अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि मैं पास में हूँ, आता रहता हूँ, तो फुटबॉल भी इनका बहुत अच्छा है। ओके, पता चल जाए। तो देखिए बहुत एकदम बहुत सब आनंद ले रहे हैं, आपको बहुत लोग खुश है, पहली बार पटना में फ्लाइट का मजा ले रहे हैं। तो चलिए मैं आपको काउंटर पर जो मैनेजमेंट करते हैं उनसे थोड़ी मैं बात करूंगा और जानकारी लूंगा। तो सर मेरे चैनल में स्वागत है, रेवोल्यूशन 77 न्यूज़ में। थैंक यू दोस्तों। क्या आप कैसे सोच रहे हैं, आपको पटना में पहली बार ऐसा आपको माय फर्स्ट फ्लाइट रेस्टोरेंट खोलने का कैसा सोच, कैसे सोचे आप? ये हमारा एक और भी ये रेस्टोरेंट ब्रांच है अपना, पहला ब्रांच जो हाजीपुर में है, ये दूसरा पटना में है, बिहार का जो पहला है वो हाजीपुर में, ये अपना उसी का ब्रांच ये दूसरा है। तो हमारे आप तो ये नज़र मतलब के हैं और हमारे बॉस मतलब दूसरे हैं जो भी हैं, आएंगे भी उनसे मिलवाएंगे आपको जो मैनेजमेंट। हाँ, और आ ही गए हैं, आप उनसे मिल लीजिए। अच्छा मैनेजमेंट कौन है? अच्छा मैनेजमेंट सर ये है, पीछे आइए आइए आप भाई, आइए आइए, सारी जानकारी इनको हम तो नए हैं, आइए बैठिए। ये मैनेजमेंट करते हैं पूरे आपको माय फर्स्ट फ्लाइट रेस्टोरेंट का, तो इनसे मैं बात करूंगा। कैसे आपको विचार आया कि पटना में पहली बार ऐसा लुकिंग आपको देने का आनंद, मतलब कि कपल को, फैमिली लोग कोई भी यहाँ पर आकर आनंद ले सकते हैं? जी जी, सबके लिए यहाँ पे जो। तो कैसे मतलब सोचे, कैसे आपको पहला बार, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला है आपको ये फ्लाइट रेस्टोरेंट खोलने का? ये पहला ब्रांच मेरा हाजीपुर में है और दूसरा, हाँ दूसरा आउटलेट मेरा यहाँ पटना में है। अच्छा, ये आपको सोच कहाँ से लाए कि हाँ भाई हाजीपुर खोले, एक फिर पटना भी, सोच कहाँ से आपको? सबका सपना होता है ना फ्लाइट में जाने का, फ्लाइट में जाने। जी जी, और जाते हैं तो वहाँ पे बस बैठना है, मिडिल क्लास तो जा नहीं सकता है, बहुत रेयर केस में होता है कि चलिए फ्लाइट का सपना होता है जो किसी से पूरा होता है। हम लोग इस थीम को लेकर चले कि चलिए कम से कम बैठने के साथ खाने पीने का व्यवस्था हो जाए। जैसे दिल्ली में देखे हुए कहीं पर तो ये देखे हुए कि तभी तो आपको माइंड में आया हुआ कि हाँ भाई यहाँ पर खोलना है, ऐसा कहीं पर ही देखे तो होंगे, क्योंकि दिल्ली है, गुजरात है, यहाँ पर आपको देखे होंगे ऐसा सिस्टम। जब हम लोग बनाए थे उसके बाद देखे थे कि दिल्ली में भी है एक रेस्टोरेंट जो प्लेन के अंदर में है, और हम लोग प्लेन इंटीरियर बना करके हम लोगों ने किया है ये इस चीज को। तो चलिए, और सिस्टम क्या क्या है, सिस्टम थोड़ा दिखा दीजिए, कैसे आपको ऑर्डर देते हैं? सारा चीज यहाँ डिजिटल, देखिए सब चीज यहाँ डिजिटल है, देख सकते हैं डिजिटल ही है पूरा, देखिए पूरा डिजिटल है, टुडे मेनू है, पूरा डिजिटल ही आपको ऑर्डर देना है। स्टार्ट यहां से स्टार्ट हो जाएगा, बताएंगे सर। हाँ बताइए। ये स्टार्टर का हो गया, मेन कोर्स का, मेन कोर्स में वेज नॉन वेज राइस बिरयानी ब्रेड मटन सारा चीज मिलेगा, साउथ इंडियन का भी है। स्टार्टर में वेज नॉन वेज डिजर्ट ड्रिंक सारा चीज़ आपको अवेलेबल मिल जाएगा, इंडियन और चाइनीज से सब चीज़ें। देखिए चिकन का है, एक पकौड़ा है, चिकन टिक्का है, चिकन पतीला कबाब है, मतलब ऐसे ऐसे हर चीज़ आपको मिल जाएगा यहाँ फास्ट फूड में, बहुत चीज़ है यहाँ पर, यहाँ पर बहुत सारे चीज़ हैं, देख सकते हैं। तो वेज की हाँ, वेज का आ जाएगा, नॉन वेज हो जाएगा। ये डिजर्ट है, ड्रिंकिंग के लिए भी अलग अवेलेबल है, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक सभी चीज़, मतलब कि आपको फुल्ली यहाँ पर आइए, कपल लोग फैमिली बच्चे सभी लोग आएँ और सभी लोग यहाँ पर आनंद उठाइए। तो देखिए ऑर्डर का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, कैसे ऑर्डर किया जाता है इसमें।
आपको डिजिटली पूरा ये डिजिटली आपको मिलेगा यहाँ पर, जब आएंगे तो पूरा डिजिटली आपको मिलेगा। तो मैं ऑर्डर का प्रोसेस बता दूँ, पहले आपको मोबाइल नंबर मांगेगा, इसमें मोबाइल नंबर डालिए 8880 ओके, उसके बाद आप मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए, उसके बाद आपको फुल नेम, आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मांगता है, नेम आप डाल दीजिए। उसके बाद ईमेल आईडी, ईमेल आईडी जरूरी है या नहीं? कोई जरूरी, ईमेल आईडी कोई जरूरी नहीं है, नेम और आप डाल दीजिए, उसके बाद इसको सेव चेंजेज मार दीजिए। ये आपको स्टार्टर, इसके बाद आप जाइएगा स्टार्टर में है, स्टार्टर में जाइएगा तो भेज, नॉन भेज, डेजर्ट, ड्रिंकिंग आ जाएगा। मेन कोर्स में जाइएगा तो भेज, नॉन भेज, राइस, बिरयानी, ब्रेड, मटन, ये सब सब मिल जाएगा। साउथ इंडियन में जाएंगे तो आपको भेज है, तो स्टार्टर में ही मैं जाता हूँ और ड्रिंकिंग का मैं ऑर्डर करता हूँ। देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक, कैन कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड कॉफी है, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, मजा कोल्ड ड्रिंक है, तो मैं मजा कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर देता हूँ। ऐड टू क्राफ्ट, वो बोतल वाले सिस्टम है, कोई बात नहीं। तो ऐड करके यहाँ पर ऑर्डर देने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, ये आपको ऐड क्राफ्ट में यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ये आपको ऑर्डर हो चुका है, यहाँ पर आपको प्रोसीड कर दीजिएगा, ऑर्डर हो जाएगा। देख सकते हैं ऑर्डर प्लस आपको सभी चीज आ गया, अमाउंट 45, ड्यूज इतना, नेट अमाउंट, सभी चीज आ गया। तो चलिए ऑर्डर हो गया। तो चलिए एक और यहाँ पर बर्थडे के लिए स्पेशली यहाँ पर बनाए हैं, बर्थडे के लिए भी आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर बर्थडे मनाना हो तो बर्थडे भी आकर यहाँ पर मना सकते हैं, बच्चे के साथ, फैमिली के साथ आकर मनाइए। एकदम इसमें भी आपको फ्लाइट का ही मजा आएगा, फ्लाइट पर चल के आपको मजा उठाइए, बर्थडे का लुत्फ उठाइए और इंजॉय कीजिए। तो चलिए करीब करीब आपको बन ही रहा है, लगभग ये बन रहा है आपको। तो चलिए उनसे मैं बात करता हूँ कब फाइनल ये हो जाएगा, ये लगभग कितने, अभी तो लगता है बन ही रहा है बर्थडे, दो से तीन दिन में कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कैसा स्पेशली बर्थडे के लिए रहेगा रेशियो, कैसा लग रहा है कि यहाँ पर, मतलब कैसा रेशियो आपको आ रहा है बिजनेस का, जैसे आदमी कैसा आ रहे हैं? अच्छा रिस्पॉन्स है, हाजीपुर में भी था, पटना से लोग जाते थे वहाँ खाने के लिए, अब तो यहाँ पटना में खुल गया तो पटना वाले लोग भी आ रहे हैं यहाँ। मेरा घर हाजीपुर हुआ, हाजीपुर मतलब बिहार के ही निवासी है, बिहार के लाल हैं, स्थान नहीं है, पटना ही है। अच्छा पटना भूतनाथ मोड़ पे, भूतनाथ बोले मुन्ना चौक मेरा अपना घर हुआ, ऐसा हाजीपुर। तो देख सकते हैं बिहार के लाल खोले हैं, और बिहार में ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट की जरूरत है जो लोगों ने गुजरात जाके, दिल्ली जाके जो आनंद उठाते हैं, ये वो सभी चीज़ यहाँ पर आपको अवेलेबल करा रहे हैं। यहाँ पर आएँ और सभी से अनुरोध है कि ऐसे ऐसे लोगों को, बिजनेसमैन को बढ़ाएं, ताकि एक शहर में खोले, दो शहर में खोले हैं, ऐसे ऐसे सभी शहरों में आपको फ्लाइट रेस्टोरेंट मिले और सभी युवाओं को या कपल को आनंद मिलने के लिए ऐसा मिल सके। तब तक के लिए रेवोल्यूशन 77 न्यूज देखते रहिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ऐसे वीडियो मैं लाता रहूं आप लोग के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।